सब्सक्राइब कीजिए सब आसान चैनल को और बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल नसीब सब आसान के साथ एक और नई वीडियो के साथ आपकी किस्मत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि मुझे कुछ यूज़र ने कहा कि यार अब्दुल नसीब भाई, मिक्सिंग के जो आपने काम तो स्टार्ट किया लेकिन हमें PhD की बहुत ज़रूरत पड़ते हैं, तो वो PhD हमें चाहिए। एक यूज़र ने नहीं, तकरीबन कालवर कुछ 10 से 12 यूज़र मेरे ऐसे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि यार अब्दुल नसीब भाई कुछ PhD हमें दे दो। तो ये वीडियो उनके लिए है, ये वीडियो तो है तो तमाम लोगों के लिए, जितने मेरे यूज़र हैं उनको PhD की तो ज़रूरत पड़ती है। तो PhD फाइल को मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अब तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली वीडियो से आपको अपने आप को आगाही दे दें, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी जो अपडेट है आपके ईमेल एड्रेस पर सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो बराए मेहरबानी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मेरी आपसे बस यही इल्तिजा है और मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। बाकी आपको जो मुझसे चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा और देता रहूँगा और देता आ रहा हूँ। तो मैं ओपन करता हूँ उन फाइल को, PhD है कुछ, मैं आपको चेक कराता हूँ कि इनको किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, ये वो PhD है, आप इनको देख लो, आप गौर से इनको देख लो, बहुत PhD है ये। तकरीबन गालबन कोई 450 MB का फाइल होगा, आपने इसको डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मौजूद है, इसका यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसको यूज़ करके अपने मिक्सिंग के प्रोग्राम में या कोई भी अदरवाइज बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं उनमें किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। तो इसको आप गौर से देख लें कि आप इसको, ये कितने सारे PhD है, ये बहुत काम के PhD है, इनको मैं आपको शो कराता हूँ और इनका यूज़ करने का तरीक़ेकार आपको बताता हूँ किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। तो मैं एक PhD को ओपन करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ इस PhD को, राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ओपन विद करता हूँ और एडोब फोटोशॉप में इसको ओपन करता हूँ। PhD चलाने के लिए आपके पास एडोब फोटोशॉप होना चाहिए। PhD का मतलब ये है, ये एडोब फोटोशॉप के प्रोजेक्ट हैं, ये बने बनाए प्रोजेक्ट होते हैं, आप इनको सेट करके इनके अंदर तस्वीर ऐड करके कोई भी चीज़ ऐड करके तो इसको आप अपना बना सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको हर बात का समझ आ जाए। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल इसके अंदर ऐड हुए पड़े, आप बस तस्वीर को देखें कि वो किस तरीके से कैप हो रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने अगर कोई तस्वीर अपना ऐड करना है तो उसको किस तरीके से ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ उस तस्वीर को जहाँ पर मुझे इसके अंदर वो तस्वीर चाहिए होगा। ठीक है, ये तस्वीर है फॉर एग्जांपल, ये मुझे तस्वीर चाहिए उस PhD के अंदर, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ कर यहाँ पर लेकर आऊँगा और इसको छोड़ दूँगा। अब आप एक चीज़ देखें कि ये तस्वीर सबसे पीछे नज़र आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि इस तस्वीर को पकड़ना है और सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर छोड़ देना है। जैसे आप इसको छोड़ देंगे, जहाँ कहीं भी इसको आप छोड़ेंगे ये वही उसके ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो थोड़ा सा आगे आ जाएगा ये। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसको Ctrl-T करना है। जैसे आपने इसको Ctrl-T करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन देगा कि आप इसको सेटिंग करें। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इस तरीके से इस PhD का यूज़ होता है। PhD हमेशा जो बने बनाए प्रोजेक्ट होते हैं एडोब फोटोशॉप के, उसे PhD कहते हैं। अब आप इसको यहाँ पर तो आपने रख लिया है, अब आपने क्या करना है, एक साइड की जो ये कटिंग है इसको आपने करना है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यार सिर्फ दुल्हन की तस्वीर मुझे चाहिए, तो इसको यहाँ से ख़त्म कर दें। ख़त्म करने के बाद आप आ जाएं यहाँ पर दुल्हन के ऊपर आ जाएं। अब आपने क्या करना है कि इस ऑप्शन का इंतखाब करना है। इंतखाब करने के बाद आपने शिफ्ट के ऊपर हाथ रखना है, शिफ्ट के ऊपर हाथ रखना है, इसके कंप्लीट जो ड्रेसिंग है उसके ऊपर सेलेक्ट करना, जहाँ तक आपको चाहिए इसको आपने सेलेक्ट करना। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सेलेक्ट करना है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। तो शिफ्ट का बटन दबाकर इस ऑप्शन का इंतखाब करके आप सिर्फ और सिर्फ दुल्हन की तस्वीरें उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ इसको क्लिक करेंगे सिलेक्ट होता जाएगा, आप इसको क्लिक करेंगे ये गुम भी होगा। आपने सिर्फ दुल्हन की तस्वीर सिलेक्ट किया, अब आपने क्या करना है, मैं सिर्फ आपको जस्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, आपने जैसे दुल्हन की पूरी तस्वीर सिलेक्ट कर दी, तो उसके बाद अब आपने क्या करना है कि आना है शिफ्ट Ctrl-CV करना है। शिफ्ट Ctrl-CV करेंगे क्या, शिफ्ट Ctrl-CV करके आपने इसका बैकअप लेना है। अब ये देखें तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया, बाकी अगर थोड़ा सा 19-20 रह गया तो वो आप खुद कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि PhD का यूज़ किस तरीके से होता है मिक्सिंग में।
उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पर, तो इसको रखें। जैसे ही आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो इसको आप कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करने के बाद आपने अब इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है। आप अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे एडजस्ट करें, किसी भी तरीके से आप इसको एडजस्ट करें, आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको एडजस्ट करें, ठीक है। ये आपके समझे दुल्हन की तस्वीर आ गई। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट करके आप अपना जो PSD है उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीक़ेकार है इस PSD को अप्लाई करने का। तो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो आपने, ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आप इसको सेव करना चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट में आप इसको सेव करना चाहें तो सेव करते हैं, मैं सेव करता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद मैं इसको PSD में आप सेव करेंगे तो आपकी मर्ज़ी, PNG में करेंगे आपकी मर्ज़ी, JPEG में करेंगे आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं इसको सेव जो करता हूँ PNG में करता हूँ। PNG में जैसे मैं सेव करता हूँ तो मैं आता हूँ इसको म्यूज़िक के अंदर सेव करता हूँ और जस्ट यहाँ से इसको नाम देता हूँ। जैसे मैंने इसको नाम दिया और सेव किया तो यहाँ से ये सेव हो गया। पहले हमारे पास ये प्रोजेक्ट के हालत में ओपन हो रहा था, अभी हमारे पास जो ओपन होगा वो बिल्कुल एक तस्वीर की शक्ल में ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये एक तस्वीर की शक्ल में हमारे पास ओपन हो गया है। अब आप इसको खुद गौर से देखें कि ये तस्वीर हमारे पास बना हुआ आ गया है। तो इस तरीके से PSD का इस्तेमाल होता है, PSD को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि PSD को कैसे यूज़ करना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। PSD आपके जो डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से आप PSD को उठाकर अपना बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू बस्ट अल्लाह ने के बाद फ्री अमान।